घूंगट में फंस गई हो। हाँ तो लो देखो ये पाएगा मतलब चलो 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 क्या चाहिए तुमको? देखो आनंद को हमने टॉफी दे दी। तुम गेट पे नहीं थे हमारे लिए। बड़ी मुश्किल से आई इधर। कहाँ है? तुम्हें नहीं आया ना तो मैं खीर पूरी। कहाँ है मम्मी? क्यों? फिर चली गई। जी बूटी उठा के इधर आके इधर जाने इधर सो जा रही। उनकी घर ही हो रही। फिर इधर सो जा रही है। फिर उधर भी तेरी नहीं बात हो रही मामले जाके। नहीं गई। ऐसे ऐसे। क्यों बोली वो अंदर? पकड़ लिया। हारून के लिए नहीं, हारून की मम्मा के लिए टॉफी। मम्मा के लिए हारून नहीं खा पाते हैं। मम्मा गए खा ले सच्ची सच्ची बताओ। अब इतनी जल्दी नहीं सोना था, कुछ खा लो। अरे वाह सोना नहीं। खलील ने क्या करा? मतलब मोटी लेने चली गई और मैंने से वो गुट्टी है क्या उसको बुला देती। हां वो चुकुर चुकुर ला मुंह में मन की है जी का। वो तो अच्छा खुली ढक्कन बंद था। वो बड़े आलू चुकुर चुकुर अच्छा ठीक है। तो लगे दोनों ओलाड़ के तो कितनी जहरीली होती है। 8 गुंजे जहरीली बच्चों के बनाना उनको ना इनको। ओए गुंजे ओए गुंजे ओए गुंजे जंपिंग 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 सोने वाले दूध पी लो फिर सो जाना। नहीं लग रही मेरे को दादी। क्या बोला दादी? बोला बोला दादी अम्मी। बोला दादी अम्मी बोला बोला दादी अम्मी आ जाओ। सुसु कर लेगा तो कर। अब देखा अभी नहीं देखा। दादी कहाँ है? दादी दादी जाओगे चाशनी इसके दाल से निकल जाए ना आपको तो अच्छा है। अब पुकना नींद आ रही है। अब पुकना आप सो गई आप उसको डिस्टर्ब हो रहा था कहीं मेरे मुंह पे ऐसे करे बिल्ली जैसे। आप गुंजे खाली कपड़े 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 बैग ओहो सही है सही। पीछे से कोई भी निकाल ले फिर अच्छा लग रहा है। जीन्स जो ही आ गया मैं अच्छा जो पहनेंगे बच्चे सभी ने पहना है। इस आई लव मम्मी
मम्मी डैडी वाले ही बहुत आ रहे हैं। ये सिम्मी ही सही है, ये तो वो लेके आई कपड़ा भी होता है। खाएगा 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 क्या फेंक रही है? सिम्मी सही आई थी, उन्हें ये तो और ही बड़ा है। ये परसाल की परसाल आया परसाल परसाल आई है। बड़ा चला होता बाहर हाल छोटे होते हैं बच्चों के कपड़े हाल। कपड़े तो माशाल्लाह बहुत हैंगे इसके पास, बहुत बहुत ही हैंगे। ठीक है, ऑनलाइन मंगाया था कि इसलिए पन्नी में आए हैं। कॉटन अच्छा, तुमने देखी होगी जो कोई की सलवार है ना, देना पड़ेगा। हैं पीछे बताना, पीछे बताना, एक साइड से वो है क्या चुन्नी? हाँ एक ही साइड है। फिर पूरी फूलेगी नहीं तो ऐसे आएगी। पीछे बल्की को नीचे पीछे एक ही चुन्नी बल्की है ना। नहीं अच्छे लग रहे हैं सलवार तो, ये दुपट्टा है। मैं बड़ा भी तो होऊंगा दादा, बड़ा भी तो होऊंगा मैं। तो कॉटन कॉटन के ले लिए अब तुम। ये भी सिलवाई है ब्राउन, पूरी चुन्नट वाली है। हाँ पूरी आगे पीछे, ये भी कपड़ा लेके सिलवाई थी। बॉर्डर बॉर्डर हाँ इसमें है ना, तो वही कट के लग गया होगा। और कहीं हाँ चलो टेलर तो तुम्हें सही मिल गया। लेडीज सिलती है जेंट्स सिलता है? कितने रुपए लेती है उसके? तो गाइस अभी हम जा रहे हैं मार्केट, और मार्केट में हम लोग किस लिए जा रहे हैं तो आप लोगों को वहीं चल के पता चल जाएगा, पहले पहुँचते हैं वहाँ। ठीक है, चलते हैं वहाँ। और ये है हमारे मुरैना का ट्रैफिक, कोई रूल्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कहीं से भी गाड़ियाँ घुसेड़ देते हैं, ये चीज़ है। ये देखो कहीं से भी कोई भी जा रहा है, निकल के इधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, सब जगह से आ रहे हैं। ये बिल्कुल वाइट है। हाँ तो पीला बने होगा, वाइट ही सही है। वो बड़ा ये अपना 10 एम्पीयर में 30 रुपए का, और हल्की चीज़ें ये 35 रुपए का। ब्लैक वाले ब्लैक में ये 45 रुपए का, एक और है ब्लैक में 30 रुपए का मिल जाएगा। और बहुत ज़्यादा हटके चीज़ें ये भी अच्छा है। ये अपना 50 वगैरह सोचे, उसमें अपन और ऊपर जाना चाहें तो ग्लास प्लेट ले सकते हैं, कांच वाली।
ये भी है ना, ये कलर तो अच्छे अच्छे हैं क्या? ये वाला पंखा लगा मुझे लगता है आगे, ये जो लगा है ना ये वाला। वाली की लेना है सामान तो नहीं। ये सफेद, व्हाइट और गोल्डन कुछ भी ले सकते हैं। हॉपर कैसे देखते हैं उधर सर। तो गाइस हमें ये वाला पसंद आया है, इसमें टच भी है और ये भी है दोनों। तो गाइस हमने लाइट ले ली है और सैंपल के लिए ली है अभी सिर्फ अभी फिलहाल, क्योंकि फिर हम लोग को पूरा हॉल के लिए सारे रूम के लिए ऐसी लाइट खरीदनी पड़ेंगी, तो इसलिए अभी फिलहाल सैंपल के लिए ले ली है। अभी चलते हैं कहीं और देखते हैं। सो गाइस यहाँ पर मैंने बनाए लिए इनके लिए स्पेशल लड्डू, तो चलो जाकर देखते लेकर आते हैं इनको। और ये बनाए हैं मैंने मलीदे वाले लड्डू। तो गाइस कल रात में ब्लॉग की एंडिंग नहीं कर पाई थी, तो बस अभी कर लेते हैं। और हुरैन मेरे को देख देख के हंस रही है, तो यहाँ पे बैठ जाती हूँ पहले। तो कल जो है मैंने बनाए थे मलीदे वाले लड्डू, तो किस किस को पसंद है वो मुझे बताएं कमेंट करके, क्योंकि जब भी ये कुछ ऐसी नई चीज़ मुझसे बनवाते हैं ना, ऐसे पहले मैंने सिर्फ मलीदा बनाया है गुड़ के साथ वाला, लेकिन ऐसे लड्डू नहीं बनाए थे मैंने। तो जब भी ऐसा इनका कुछ मन करता है ना, तो हमेशा ये कहते हैं मेरी मम्मी होती तो मेरी मम्मी बना देती, मेरी मम्मी बना देती, तो मतलब इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं मेरे को। तो बस मेरे को भी लगता है कि चलो जो भी इनको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो वो मैं इनके लिए करूं, और फिर जो है फिर मैंने जो है कल गुड़ तो नहीं था क्योंकि गुड़ हो गया था ख़राब, तो फिर हमने उसको गाय बाहर डाल दिया था। तो फिर मैंने ना शक्कर के बनाए थे लड्डू घी के साथ वाले, तो बहुत ज़्यादा इनको अच्छे लगे, कहने लगे कि हाँ अब चीज़ बनी है सही। और इमोशनली ब्लैकमेल कर देते हैं ना, तो फिर मन करता है कि नहीं यार चलो ठीक है इनके लिए कर देते हैं। बस वो ओके, फिर उसके बाद मैंने कोई भी ब्लॉग वगैरह शूट नहीं किया था। और अभी हम जो है बैठे हुए हैं, मैंने नहा लिया है और अब मैं दूसरे ब्लॉग स्टार्ट करने वाली हूँ। इसके बाद मैंने सोचा पहले इसकी एंडिंग कर लेती हूँ, उसके बाद स्टार्ट करूँगी। तो बस चलिए गाइस, कैसा लगा आप लोगों को ये ब्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग मुझे थोड़ा सा सजेस्ट कीजिए कि मैं किस टाइप के ब्लॉग्स बनाऊँ, यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कुछ ऐसा। आप लोग बोलते हो कि आपके पास कोई कंटेंट नहीं बचे हैं, तो जी हाँ नहीं बचे हैं। तो कंटेंट कैसे बनाए जाए, क्योंकि देखो मेरे को तो ऐसा कुछ आता नहीं है, हालांकि मेरे को 3-4 साल हो चुके हैं ब्लॉगिंग करते हुए, लेकिन मुझे ऐसा कंटेंट नहीं पता है कि कैसे बनाते हैं। मेरी लाइफ में जो भी कुछ हुआ है वही सब कुछ आप लोगों के साथ मैं शेयर किया, ऐसे कोई अलग से कोई नया सा कंटेंट मैंने क्रिएट नहीं किया है, जो भी हुआ है नेचुरली हुआ है वही सब आप लोगों के साथ मैं शेयर किया है। अब कंटेंट मैं कहाँ से लाऊं, क्या करूं, आप लोग मुझे थोड़ा सा सजेशन दीजिए। क्या आप रेसिपीज़ वीडियो देखना चाहते हैं इस ब्लॉग में, थोड़ा सा एक आध रेसिपी की वीडियो मैं शेयर किया करूं, या फिर मेकअप वगैरह। मेकअप मुझे इतना ज़्यादा तो नहीं आता है, देखो मैं नॉर्मली जो भी घर में रहती हूँ मैं उसी तरीके से ही रहती हूँ। हाँ अगर मैं कहीं जाती हूँ तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कर लेती हूँ, लेकिन मेकअप मुझे अच्छे से नहीं आता है तो मैं वो चीज़ नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। और
क्या कंटेंट बनाऊँ मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग मुझे थोड़ा सा सजेस्ट कीजिए, क्योंकि मैं जितने लोगों की भी ऐसी ब्लॉगिंग देखती हूँ ना, वो भी नॉर्मल ही रहते हैं, उनके भी ऐसे कोई खास कंटेंट नहीं रहते हैं, बस वही है कि अगर कहीं जाना होता है उनको तो वो चीज़ें अलग होती हैं, है ना, कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं किसी से मिलने जा रहे हैं तो वो चीज़ अलग है, ऐसे तो हम भी जाते हैं नॉर्मली, फिर अलग से कंटेंट क्या होता है, आई डोंट नो। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ मुझे बताओ किस बारे में मैं वीडियो बनाऊँ, आप लोग क्या देखना चाहते हो, क्या किस चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा लोगे, तो वो सारी चीज़ें आप लोग मुझे बताना, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी आप लोगों की बातें आप लोगों के लिए कुछ नया क्रिएट करने का, ठीक है। तो चलिए फिर ना, मैं इस ब्लॉग का एंड यहीं कर लेती हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, मैंने सोचा था ऐसा छोटा सा एंडिंग करूँगी लेकिन बहुत लंबा हो गया, बहुत सारी बातें ऐसी निकल आती हैं धीरे धीरे करके, तो चलिए फिर, तो चलिए फिर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआ में ज़रूर याद रखना मुझे और मेरी फैमिली को।